हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं चावल चकली। तो चलिए, चावल चकली बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन को हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधी कटोरी बेसन लिया है, उसे हम चलाते हुए बिना तेल के हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है जिससे कि ये जले नहीं। तो चलिए, इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो है हमने चावल का आटा लिया है, इसे हमने पहले ही रोस्ट कर लिया था, तो हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में हम बेसन को मिला देंगे। यहाँ पर जब हम चकली बनाएं तो बेसन और चावल का आटा जो भी हो, आप जो ले रहे हैं, उसे हल्का सा रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी चकली जो है बहुत खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे। हींग जो है पाचन के लिए अच्छी होती है। और यहाँ पर हम कलौंजी डाल देंगे। आपके पास अगर सफ़ेद तिल हैं तो उसे डाल सकते हैं। कुछ मसाले लेंगे, तो यहाँ पर नमक लिया है, धनिया लिया है, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च। अब हम इसमें अजवाइन डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे हल्का गुनगुना तेल। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लें और उसे डाल दें। और ये अभी गर्म है तो हम चम्मच से चलाएंगे, फिर हम इसे हाथों से जो है रगड़ कर मोयन लगाएंगे इस तरीके से। दोनों हाथों पर रख कर मसल देंगे तो अच्छा सा मोयन लग जाएगा पूरे आटे में। तो मोयन अच्छे से लग गया है, मुट्ठी बन रही है। तो चलिए, हम इसे गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने गुनगुना पानी लिया है, गुनगुना पानी डालकर इसे हम गूंथेंगे। तो आटे को ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है और ज़्यादा पतला भी नहीं लगाना है, मीडियम रखना है जिससे हमारी चकली जो है अच्छी बने। पानी को एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और मसलते हुए आटे को गूंथ कर तैयार करें। तो ये देखिए, डो को हमने तैयार कर लिया है। इस तरीके से आप हाथों से मसल दें तो इसकी जो है अच्छे से मसल जाएगा, जिससे हमारी चकली जो है टूटेगी नहीं। तीन चार बार हाथों में इस तरीके से रखकर हम इसे मसल लेंगे। चलिए, इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे और एक बार फिर से इसे हम मसल लेंगे हाथों से। तो यहाँ पर जो है मशीन ली, उसमें हम तेल लगा देंगे। चकली बनाने वाली मशीन है ये। तेल लगाने से क्या होगा, चिपकेगी नहीं है। चलिए, हम आटा लेते हैं, उसको लंबा लंबा कर लेंगे इस तरीके से, हल्का सा हाथों में तेल लगा के। और मशीन में इस तरीके से रख दें और दबा दें, और ऊपर से इसका ढक्कन लगाकर बंद कर दें। तो चलिए, चकली बनाते हैं। तो इस तरीके से राउंड राउंड करेंगे, गोल गोल करके चकली बनाकर तैयार कर लेंगे। चकली आप जितनी बड़ी रखना चाहें उतनी बड़ी रख सकते हैं, छोटी या बड़ी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इस तरीके से इसे बंद कर दें। इसी तरीके से सारी चकली बनाकर तैयार करें। अगर आपका डो सही लगा है तो आपकी चकली तेल में टूटेगी नहीं, वैसे तेल में टूटने लगती है चकली।
तो हाथों में रख कर इसे मसल जरूर लें। तो यहाँ पर हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल गर्म हो गया। अच्छे से तो चकली को डाल देते हैं, फ्राई करते हैं। एक तरफ अच्छे से सिक जाएंगी, फिर हम इन्हें पलट देंगे। और ये देखिए तेल में जो है जरा भी टूटी नहीं, इसका मतलब चकली हमारी बहुत परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेंक लेंगे, अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। तो गैस को अब हमने धीमा कर दिया है, पहले तेज थी, तो इसे हल्के से सेंक लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरह से सारी चकली बनाकर तैयार करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। आप इन्हें बनाकर एक डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख लें, 1 महीने तक आराम से चलेंगी। इसी तरह हम दूसरी चकली भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, तो सारी चकली जो है बनाकर हमने तैयार कर ली। ये देखिए, तो चलते हैं इन्हें तोड़ कर दिखाते हैं कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। ये देखिए, तेल में ज़रा भी टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है और सख्त भी नहीं हुई है, बहुत मुलायम बनकर तैयार हुई है। तो आप लोग भी